बोलो देवादी देवराज श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परूज आचार्य गुरुव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 पूज्य महामना मुनिराज परमा सागर जी महाराज की परम महा पूज सागर जी महाराज की।, जी की जीवन के विकास में व्रतों का सबसे बड़ा स्थान है व्रतों के माध्यम से हमारी वृत्तियों का परिष्कार होता है बिना व्रत संयम के जीवन का उद्धार नहीं व्रतों के इस क्रम में गृहस्थों के लिए पांच अनुव्रत तीन गुणव्रत और चार शिक्षा व्रत का विधान तीर्थसंकरों की वाणी में निश्चित हुआ और हम लोगों ने विगत दिनों आचार्य कुंद कुंद की देशना के माध्यम से उस पर विचार किया मंथन किया और आज शिक्षा व्रत में चौथे शिक्षा व्रत के रूप में जिसे आचार्य कुंद कुंद ने रखा है उस संलेखना की चर्चा है साम्यम च परममम तहेव च विधियम च पोसहो वासम तय्यम अतिथि अति पूज पूज्यम चौथ संलेहना अन्ते अंत में संलेखना मरण को आचार्य कुंद कुंद ने एक व्रत के रूप में अंगीकार किया यद्यपि अन्य ग्रंथांतरो में संलेखना की जगह यहाँ पर देश व्रत अथवा भोगो भोग परिमाण व्रत को लिया है लेकिन आचार्य कुंदकुंद ने संलेखना व्रत को एक शिक्षा व्रत के अंतर्गत लेकर संलेखना की उपयोगिता को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है बिना संलेखना के हमारे व्रतों की सार्थकता नहीं होती आज मैं आप सब से संलेखा संलेखना के संदर्भ में चार बातें करना चाहूँगा विगत वर्षों में सन 2015 में जब राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा संलेखना जैसी इस परम साधना को आत्महत्या निरूपित किया गया था तब पूरे देश में भूचाल आया धर्म बचाओ आंदोलन का प्रवर्तन हुआ और आप सबके पुण्य के प्रताप से सुप्रीम कोर्ट ने उसमें हम सबको अंतरिम राहत दी उस समय सलिखना पर पूरे देश में एक बड़ी बहस हुई और लोगों ने अच्छे से संलेखना को समझा आज मैं उसी संलेखना के संदर्भ में चार बातें आप सबसे कहना चाहूँगा वह व्रत जो हमारे जीवन का मूल ओम 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 मैं आप सबसे कह रहा था वह व्रत जो जीवन का मूल व्रत है और जिसके होने पर हमारे सारे व्रत सार्थक होते हैं उसके संदर्भ में पर्याप्त जानकारी होना जरूरी है लिखना क्या है संलेखना क्यों संलेखना कब और संलेखना कैसे इन चार सवालों के माध्यम से आज हम संलेखना के संदर्भ में बात करेंगे संलेखना शब्द सत धन लेखन से बना है सत यानी भले प्रकार से लेखन यानी क्रश करना अपनी काया और कषायों को कृष करने का नाम संलेखना है ये संलेखना क्या है जिसने जन्म लिया है उसका मरण सुनिश्चित है जो आया है उसको जाना है एक भी संसार में एक भी ऐसा प्राणी नहीं है जो अजर अमर रहे सबका जाना सुनिश्चित है हमारा आपका सबका अब जब जाना निश्चित है हमें केवल यह तय करना है कि कैसे जाना है किस प्रकार से जाना है मृत्यु के अनिवार्य और अपरिहार्य स्थिति के निर्मित होने पर सब प्रकार के विषाद को त्याग कर अपने शरीर के परित्याग का नाम संलेखना है यह दो प्रकार एक काय संलेखना और दूसरी से लिखना काय से लेखना अर्थात अपने शरीर को उत्तरोत्तर कृष्ण करते चलना छीन करते चलना और कषाय लिखना अर्थात अपने अंदर के विकारों का निरंतर शोधन करते जाना इन दोनों को जब हम करते हैं तब संलेखना होती है इसी को संलेखना या समाधि मरण कहते हैं अगर एक वाक्य में मैं कहूं तो ये कह सकता हूं मरण के समय में मृत्यु के अनिवार्य या अपरिहार्य होने पर सब प्रकार के विषाद या क्षोभ को त्याग कर समता पूर्वक इस शरीर के परित्याग का नाम संलेखना है के स्वरूप को न समझ पाने के कारण ही लोगों ने संलेखना जैसे इस पवित्र साधना को आत्महत्या जैसी कुप्रथा से जोड़ दिया संलेखना आत्महत्या कतई नहीं संलेखना हमारी साधना का प्राण है हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि संलेखना हमारे तप का फल है हमने जीवन भर जितना त्याग तप किया व्रत साधन किया उसकी सफलता तभी है जब हमारा अंत संलेखना पूर्वक हो अंत तपह फलम सकल दर्शन स्तुवते तस्माद यावद विभव समाधि मरणे प्रयतिव्यम इस अंत क्रियाधिकरण को तप का फल कहा गया इसलिए जब तक तुम्हारे पास शक्ति है समा सामर्थ्य है समाधि मरण के लिए प्रयत्नशील बने रहना चाहिए जैसे कोई साल भर पढ़ाई करे इन परीक्षा में उपस्थित ना हो तो उसे उस परीक्षा उस पढ़ाई का जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता इसी प्रकार जीवन भर त्याग संयम स्न्या, स्न्या, रखने के उपरांत भी जो अपना अंत संलेखनापूर्वक नहीं करता तो उसकी सारी साधना अधूरी रह जाती है अपनी साधना को पूर्ण करना है तो संलेखनापूर्वक ही देह का परित्याग करना चाहिए ये आत्महत्या नहीं है आत्महत्या और संलेखना इन दोनों में बड़ा मौलिक अंतर है आत्महत्या और संलेखना इन दोनों में बड़ा मौलिक अंतर है इसकी चर्चा मैं अभी थोड़ी देर बात करूंगा लेकिन संलेखना क्या है मृत्यु के सन्निकट आने पर अपने शरीर के मोह को त्याग कर और अपने कषायों को छीन करते हुए शरीर को त्यागना मृत्यु राज का स्वागत करते हुए तत्परतापूर्वक उल्लास के साथ शरीर को छोड़ना यह संलेखना है जो हमारी मूलभूत साधना है क्यों दूसरा सवाल मुझे अपनी बात तय समय में पूरी करनी है इसलिए करके मैं चल रहा हूं आप लोगों को यह बात तो समझ में आ गई कि संलेखना क्या है संलेखना क्यों हमने जन्म लिया एक दिन तो मरना है अब मरेंगे तो हम रोते कड़कते मरे या उस मृत्यु को सहज स्वीकार करके शरीर छोड़े मृत्यु को सहज स्वीकार करके छोड़े जब मरना निश्चित है तो रोते कलपते हुए भी मरेंगे आहें भरते हुए मरेंगे और प्रभु का नाम जपते हुए भी मरेंगे जब दोनों स्थिति में मरना है ही तो हम मरने की जगह मरण का वरण क्यों ना करें संलेखना का उद्देश्य मृत्यु का आलिंगन नहीं अपितु अपनी आखिरी सांस तक अपने व्रतों की रक्षा है जैन परंपरा में संलेखना को कई लोग इच्छा मृत्यु से भी जोड़ देते हैं इच्छा मृत्यु और संलेखना में बुनियादी अंतर है इच्छा मृत्यु मृत्यु की इच्छा से ली जाती है और संलेखना जीवन और मरण की भावना से ऊपर उठ करके की जाती है इच्छा मृत्यु जीवन की किसी भी अवस्था में हो सकती है संलेखना मरण काल उपस्थित होने पर ही होती है मृत्यु के सन्निकट आने पर ही होती है मृत्यु के अनिवार्य और अपरिहार्य हो जाने पर होती है तब तो लग रहा है कि बचना कतई संभव नहीं है तो जब बचना संभव नहीं है तो शरीर का ममत्व तो छोड़ो और अपने व्रतों की रक्षा करो हर साधक की मूलभूत संपदा उसकी व्रत है उसकी व्रत निष्ठा है और उसे संभालने की जिम्मेदारी उसकी है क्योंकि वो उसका प्राण है और हमारी संस्कृति में कहा गया प्राण जाए पर प्राण न जाए मैंने जो व्रत संयम अंगीकार किया अगर शरीर की शिथिलता से वो नष्ट हो जाए तो ये मेरी बहुत बड़ी क्षति है चाहे जो हो जाए मेरे व्रत सुरक्षित रहने चाहिए और अपने व्रतों को सुरक्षित रखते हुए होशपूर्वक समता पूर्वक सहजता के साथ मृत्यु का स्वागत करना संलेखना है शरीर छूट रहा है छूटने दो मैं तो केवल ज्ञाता हूँ और मैं तो केवल दृष्टा हूँ उस तरीके से अपने व्रतों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से संलेखना ली जाती चाहे जब नहीं चाहे जिस किसी स्थिति में नहीं कबल उपसर्गे दुर्भिक्षे जर्सी रुजायाम च नहीं प्रतिकारे धर्माय तनु विमोचनम आहु संलेखनाम आर्या ऐसा कोई दुर्जय उपसर्ग हो जाए जहाँ बचना मुश्किल हो ऐसा दुष्काल आ जाए जहाँ प्राणों की रक्षा संभव ना हो बुढ़ापा शरीर जर्जर हो जाए कि अपना ही शरीर अपने लिए भारपूत हो जाए ऐसी कोई बीमारी हो जाए जिसका कोई प्रतिकार ना हो तो ऐसी स्थितियों में अपने धर्म की रक्षा के लिए शरीर के परिचाग का नाम संलेखना है संलेखना का उद्देश्य मृत्यु का वर्ण नहीं व्रतों का रक्षण है धर्म का रक्षण है संलेखना ली जाती है जब दिख रहा आप तो जाना ही है सब कुछ जाना है तो भाई अब धीरे धीरे शरीर का मोह त्यागो आत्मा के प्रति अनुरोग अनुराग जगाओ और आत्मानुरागी बनते हुए अपने जीवन का पथ प्रशस्त करो संलेखना जब चाहे नहीं ली जा सकती अगर कोई व्यक्ति आ जाए और एकदम हृष्टपुष स्वस्थ हो हमें तो संलेखना लेना नहीं ये तो पाप होगा अपराध होगा जब तक तुम्हारा धर्म पल रहा है तुम्हारा संयम पल रहा है तुम अपने जीवन को व्यवस्थित तरीके से जी रहे हो आप अपनी साधना को प्रखर बनाते हुए जीते रहो लेकिन जब लग रहा है कि अब पाना संभव नहीं है और तुम्हारा शरीर ही खुद तुम्हारे लिए भारभूत बन रहा है तब कहीं जा करके संलेखना ली जाती समझ गए अब रहा सवाल संलेखना कैसे ले हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा मारणांत किम संलेखना जोशिता मारणांत समय में संलेखना पूर्वक लेनी चाहिए उत्साह के साथ कैसे इसकी पूरी प्रक्रिया है? जो चाहे जब चाहे जैसे चाहे वैसे संलेखना तक का को, 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 कोई विधान नहीं उसकी बड़ी प्रक्रिया कई लोग संलेखना के नाम पर घबराते हैं अरे हम सलेखना लेंगे तो हमारा कैसे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ यदि आपके अंदर दृढ़ता है और थोड़ी सी साधना है तो आपके लिए संलेखना में कहीं कोई बाधा नहीं है बड़े आसानी से आप अपनी संलेखना को कर सकते हैं कल एक संघ का समाधान में सवाल भी आया था मैं आप सबसे कहता हूँ आप चाहते हो कि मेरा अंत अस्पतालों में आहें भरते हुए ना हो मेरा अंत गुरु चरणों में नमोकार जपते हुए हो चाहते हो चाहते हो कुछ प्रक्रिया बता रहा हूं सबसे पहले एक आम गृहस्थ को केंद्रित करके बोल रहा हूं अपने व्यापारिक और पारिवारिक दायित्वों को पूर्ण करने के बाद उधर से आप मुक्त होइए और अंतर्मुखता को बढ़ाना शुरू कीजिए जीवन का लक्ष्य केवल घर परिवार गोरख धंधा और धन पैसा के पीछे ही खपाने का न रहे जीवन का मूलभूत लक्ष्य गार्हस्थिक पारिवारिक दायित्व के निर्वाह के साथ स्वयं के उत्तर दायित्वों को पूरा करने का होना चाहिए आत्महित का मनोभाव अगर तुम्हारे मन में है तभी आप सलिखना जैसी साधना को अपना पाओगे और जब आत्महित मुझे करना है तो मुझे अब उन बातों से विमुख होना होगा जो मेरे आत्महित में बाधक हैं और उन बातों को अपनाना होगा जो मेरे आत्महित में साधक हैं तो जो लोग साठ पार कर गए जिनके गार्हस्थिक जिम्मेदारियां पूरी हो गई उन्हें चाहिए कि अब धीरे 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 उधर से मुक्त होकर वान प्रस्थी जैसा जीवन जिए घर में रहते हुए भी न रहने जैसी स्थिति बच्चों को जवाब या सौंपे और आप मालिक की भांति न रहकर मेहमान की तरह जीना शुरू करें अब भाई ठीक है अब मेरी भूमिका मार्गदर्शक की है मार्ग निर्णायक की नहीं तुम लोगों को जब कुछ चाहिए तो मुझसे पूछो जितना बनेगा मैं अपने अनुभव से तुम्हें सलाह दे दूँगा लेकिन तुम काम करो अपना काम करो और मुझे मेरा काम करने दो अब मेरा जो ये शेष जीवन बचा है वो मेरे लिए है मैंने बचपन में ज्ञानार्जन किया जवानी में धनार्जन किया तो अब बुढ़ापा में मुझे केवल पुण्यार्जन करना है ये लक्ष्य होना चाहिए बचपन में ज्ञानार्जन जवानी में धनार्जन तो बुढ़ापा पुण्यार्जन के लिए सुरक्षित करो क्योंकि बुढ़ापे तक पहुंचते पहुंचते हमने अपने संचित पुण्य को खपा दिया आप एक हिसाब लगाइए पूरे जीवन काल में आप क्या करते हैं अपने पुण्य को भोग ज्यादा रहे हो कि कमा ज्यादा रहो हर व्यक्ति का हिसाब है बैलेंस शीट अगर देखी जाए तो पूरे जीवन केवल पुण्य को भोगा है अर्जित किया है तो बहुत थोड़ा जितना अर्जित किया उससे कई गुना भोगा यानी तुम्हारे अंदर की पूंजी तो खाली हो गई अब यहां से दिवालिया होकर के जाना चाहते हो क्या बोलो दिवालिया होकर जाना चाहते हो या झोली भर कर जाना चाहते हो बोलो झोली भरकर तो झोली भरने का काम करो अभी तो तुम झोली उड़ेल रहे हो झोली भरो पुण्यार्जन के कार्य में परमार्थ के कार्य में अपने आप को लगाओ ध्यान रखना दुनियादारी के कार्य में समय और शक्ति लगाने से हेरासमेंट होता है और पुण्यार्थ के कार्य में अगर आप अपना समय लगाते हैं तो आपको ताकत मिलती उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं आप लोग रोज इतना खाते पीते हो थोड़े से एग्जस्टन से थक जाते हो और दशरक्षण के दिनों में या कोई पूजा विधान हो आप एक वक्त भोजन करते हो कई लोग उपवास भी करते हैं और बारह बारह चौदह चौदह घंटे की मेहनत करते हो थकान आती है क्या क्यों नहीं आई इतनी मेहनत कम खा पी कर आप अपने दुकान धंधे में करो तो महाराज दूसरे दिन उठ नहीं पाएंगे लेकिन यहाँ दूसरे दिन डबल उत्साह होता है ये किस बात का प्रमाण है ये इसी बात का प्रमाण है कि परमार्थ में अगर आपकी ऊर्जा लगती है तो मन रिचार्ज हो जाता है और भोगों में अगर तुम्हारी ऊर्जा लगती है तो मन उद्विग्न होता है शिथिल होता है ऊर्जा का क्षय होता है तो अब इस उम्र के इस पड़ाव में आने के बाद इधर आप मोड़िए और अब धीरे धीरे अपने परिणामों को संभालिए अपने अंदर के भावों को निर्मल बनाने की कोशिश कीजिए अपने राग द्वेष मोह को कम कीजिए स्नेह वैर आसक्ति को मंद करने का प्रयास कीजिए उसे धीरे धीरे कम करके अपने में रहने का अभ्यास बढ़ाइए और साथ में सबसे पहले चरण में बहुत नीचे स्तर से ले रहा हूँ रात्रि में चारों प्रकार के आहार का परित्याग कीजिए पहला काम सर लिखना चाहते हो अभ्यास बनाओ रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग इससे क्या होगा एक महीने में एक पखवाड़े के उपवास का फल मिलेगा होगा ना बारह घंटे का उपवास तो आधा उपवास रोज का तो महीने में पंद्रह दिन का उपवास हुआ साल में छह महीने का उपवास आत्मा की योग्यता बढ़ेगी बार बार खाने की आदत पर अंकुश लगाइए तीसरे चरण में दिन में भी दो ही बार भोजन लीजिए चौथे चरण में शाम का भोजन बंद करके पानी फल ड्राई फ्रूट्स लीजिए पांचवें चरण में उसको भी बंद कर दीजिए दूध पानी पे रहिए छठवें चरण में आप आगे बढ़िए और एक भुक्ति पर आ जाइए एक बार भोजन इस बीच उपवास आदि की साधना भी कीजिए और अपनी कषायों को मंद से मंदतर करने का प्रयास कीजिए अपना समय ज़्यादातर स्वाध्याय चिंतन गुरु समागम प्रवचन ध्यान इसमें लगाइए सामायिक में लगाइए ताकि आपका आपकी अंतरात्मा से केंद्रीकरण हो सके और जैसे जैसे उम्र ढले अपनी शक्ति के अनुरूप अपनी साधना को प्रखर से प्रखर तर बनाते जाइए और जब लगे कि अब शरीर पूरी तरह से निढ़ाल होने लगा है बीच में गुरुओं से मार्गदर्शन लेते रहिए और जब ऐसा लगे तो गुरु शरण में चले जाइए गुरुओं के पास जब जाया जाता है ऐसी स्थिति में ये जो मैं विधि बता रहा हूँ उत्कृष्ट बता रहा हूँ अभी और भी बातें बताऊँगा जब गुरुओं के पास जाते हैं तो वहाँ सबसे पहले गुरु के पास जाने से पूर्व जब आखिरी संलेखना की स्थिति होती है गुरु देख लेते हैं कि नहीं अब इनके सारे लक्षण दिख रहे हैं ये साल दो साल से ज़्यादा के मेहमान नहीं हैं सर ये तो एक दिन जाना ही है तो फिर एक बार सबसे पूरे परिवार और परिजनों से क्षमा मांगना और क्षमा करना उनसे एक कहा जाए कि मैं इतने दिन तक परिवार का मुखिया बन करके रहा मैंने अपने तय बहुत कोशिश की पूरे परिवार को एक सूत्र में पिरो कर रखने का और तुम्हें धन और धर्म दोनों के क्षेत्र में मैंने आगे बढ़ाया लेकिन हो सकता है इस परिवार के मुखिया होने के नाते मेरी कई ऐसी हिदायतें होंगी जो आप लोगों की इच्छा के विरुद्ध होगी जिससे आप सबके मन को आघात पहुँचाओ मेरे व्यवहार से मेरे बर्ताव से मेरे स्वभाव से आप लोगों का मन अगर दुखी हुआ हो किसी प्रकार की चोट पहुंची हो मैं सबसे क्षमा मांगता हूं आप सब मुझे क्षमा करें और मैं भी अपने ओर से क्षमा करता हूं मैं चाहता हूं कि मैं अपनी आत्मा का उद्धार करूं और आप सबसे मैं कहता हूं मेरे इस जीवन के निर्माण में आप सबका बड़ा योगदान है आपका उपकार है एक उपकार और कीजिए कि मुझे मेरी इस अंतिम साधना में आगे बढ़ने की अनुमति दीजिए और फिर गुरु शरण में आते हैं वहां आने के बाद एक साथ भोजन पानी नहीं छोड़ा जाता बड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया है एक बात ध्यान रखना अंतिम दिनों में हमारी शरीर की रिक्वायरमेंट अपने आप खत्म हो जाती है आप देखिए अस्पतालों में जो लोग रहते हैं क्या लेते दिन भर में एक कप सूप जूस कुछ नहीं ज़बरदस्ती राइस ट्यूब आप दे दे कुछ दे दे शरीर एब्जॉर्ब नहीं करता ये केवल मनुष्यों की बात नहीं जानवरों में भी मैंने देखा गौशालाओं में देखा जब गायों का अंत समय आ जाता है वो एक बार बैठ जाती तो खाना पीना लगभग छूटता जाता है उनके सामने रख दे तो बस एक आध बार कुछ खाया तो खाया नहीं खाते छूट जाता क्योंकि शरीर में आते आते एकदम सब शिथिल हो जाती है ऑर्गन्स कमज़ोर हो जाते हैं तो शरीर की रिक्वायरमेंट नहीं होती रिक्वायरमेंट मन की होती है और व्यक्ति अपने मन की रिक्वायरमेंट के पीछे परेशान होता है तो भूख प्यास कम लगती है उसके लिए अभ्यास बनाया जाता है पहले से जैसे आज आपको संलेखना लेने का लक्ष्य है तो आपकी अगर चार रोटी की भूख है तो धीरे 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 एक अवस्था में अभी नहीं धीरे 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 एक एक ग्रास कम करते करते चार रोटी से आप एक रोटी पे आइए और इधर रोटी को कम कर रहे हैं तो दलिया जैसे पदार्थों को बढ़ाते जाइए फिर धीरे 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 रोटी बंद दलिया पर आइए मिष्ठान पकवान आदि तो पूरी तरह छूट ही जाए दलिया जैसे पदार्थों को लेते समय धीरे धीरे दलिया जैसे पदार्थों को घटाया जाता है और लिक्विड द्रव तरल पदार्थ चाहे उसमें जूस है सूप है दूध है छाछ है इनको छाछ मुख्य रूप से दिया जाता है और उनको बढ़ाया जाता है इसको बोलते हैं और फिर धीरे 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 इसको कम करते हुए केवल जल को दिया जाता है पहले दलिया बंद करके पेय पे आ गए और पेय में भी थूल पेयों को हटाकर धीरे धीरे जल को बढ़ाते हैं और केवल जल पे रखा जाता है और शक्ति के अनुसार उनसे उपवास भी कराया जाता है और धीरे धीरे ऐसा होता है कि शरीर का शोधन भी हो जाता है बीमारियाँ भी चले जाती है अंदर का आत्मा बल बना रहता है उनको प्रिय वचनों के साथ उत्साहित कराया जाता है और शरीर ऐसे छूटता है कि पता ही नहीं चलता बड़ी सहजता से अस्पताल में रहने वाला पचास प्रकार के मेडिकल एड लेकर के करा सकता है लेकिन संलेखना करने वाले का केवल उत्साह झलकता है और कुछ नहीं अगर आपको देखना है तो आप किसी की समाधि देखो अभी प्रेमचंद जी की माता जी की बावन दिन संलेखना चली, और कितनी उत्तम बड़े उत्साह के साथ ये तो मैं तैयारी के साथ की बात कर रहा हूँ जिनकी तैयारी नहीं है उनके अंदर भी ऐसा होता है तो बहुत लोगों की संलेखना हुई और उनका अंदर का जो रोग है वो धीरे धीरे शांत हो जाता है हम लोगों ने कई लोगों की संलेखनाएँ कराई है, करा है। इसलिए अगर आपको संलेखना करना है किसी की संलेखना हो रही है उसको देखो उत्साह बढ़ेगा एक सज्जन की हमने संलेखना कराई उनके सिर में भयंकर पीड़ा ऐसे जैसे फटा जाए ऐसे और जिस दिन वो संलेखना के लिए आए हम लोगों ने उनको अपने हिसाब से धीरे धीरे दलिया और और चीज़ों पर लाया तीसरे दिन से सिर दर्द भी गायब हो गया और आखिरी में चार दिन के उपवास पूर्वक उनकी संलेखना हुई तो ये बहुत बड़ी ताकत अंदर आती है और इस प्रक्रिया से संलेखना होती है हर कोई इसको ले सकता है और मान लो महाराज हमने पहले से ऐसी साधना नहीं की तो क्या करें तो कम से कम इतना तो रखो उत्साह अंदर रखो कि मुझे संलेखना करनी है मैं आपको बताऊं हमारे संघ में एक सज्जन एक महाराज थे उनके पिता श्री बंडा के थे उनका अपेंडिसाइटिस फट गया व्रति थे भावना तो थी गुरुदेव बिना बारह में थे उन्नीस की बात है अपेंडिसाइटिस भ्रष्ट होने से सब मेडिकल में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया नलियाँ लगी हुई थी लेके आए गुरु जी ने साहब नली वली सब हटवा दी हटवा करके रखा और वो ग्यारह दिन तक जल पर रहे उत्तम संलेखना हुई संलेखना कराने वाले यदि निपुण हो तो कैंसर जैसी पीड़ा से ग्रसित लोगों की भी उत्तम संलेखनाएं हुई है आप लोग कैथेडर वगैरह लगा के आते उसकी भी कोई जरूरत नहीं पड़ती प्राकृतिक उपचार से वह सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं जिनका यूरिन पास नहीं हो रहा ठंडे गर्म की पट्टी देते ठीक हो जाती उनकी सेवा होती उनकी भैयावृत्ति होती तो संलेखना की ये बड़ी उत्तम विधि है इस विधि से काम करना चाहिए और जिनने जीवन भर साधना नहीं भी किया वो भी अगर अंत में ऐसा भाव रखे तो उनके अंदर का उत्साह भर जग जाए तो इस तरीके से अपनी संलेखना समाधि को पूर्ण कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर और सुंदर बना सकते हैं ये पुरुषार्थ हर व्यक्ति को करना चाहिए मन में केवल एक और केवल एक ही भाव रखना चाहिए कि मेरा अंत समाधि पूर्वक हो हम लोग रोज बोलते हैं मरण समाधि सुसुलभ कर्मों का क्षय हो सुबोध सौखकारी या दुखक हो कमक हो वो लाओ सुबह गमनम समा मरनम छ मेरा समाधि मरण हो तो ये समाधि मरण कैसे होगा जब उसकी तत्परता होगी तब ना और एक बार समाधि पूर्वक तुम्हारा मरण हो गया तो इस संसार में आठ भाव से ज्यादा नहीं रहोगे अगर निर्दोष समाधि उत्कृष्ट रूप से हो गया तो तीसरे भाव में टिकट कट जाएगा और अगर नहीं भी हुआ तो ज्यादा से ज्यादा सात आठ भाव इससे ज्यादा इस संसार में नहीं तो भाव भ्रमण को रोकने का ये श्रेष्ठ साधन है तपस्या है सर्वोत्तम साधन ऐसी साधना को अपनाने का उत्साह हर व्यक्ति का रहना चाहिए और एक ही सोच मुझे अस्पताल में नहीं मरना गुरु चरणों में ही अपना शरीर छोड़ना है जाना तो सबको है ही लेकिन ऐसे मरना नहीं है मरते समय भी प्रभु को सुमरते हुए जाना है तो ये संलेखना है इसको आत्महत्या कभी मत समझना ये इच्छा मृत्यु भी नहीं है आत्महत्या भी नहीं है जैन साधना में जैन धर्म में आत्महत्या को बड़ा पाप कहा गया है हत्या स्व की हो पर की हत्या हत्या है और उसमें उतना ही पाप है जितना पर की हत्या में होता है इसलिए आत्मबध को जैन धर्म में कहीं स्वीकार नहीं किया गया तो ये संलेखना क्या संलेखना आत्मबध है ही नहीं संलेखना आत्म जागरूकता है आत्मलीनता है सर छूट रहा है छूट रहा है हम उसके दर्शक हैं हम उसके ज्ञाता हैं हमने क्या किया केवल अपने भोजन पानी को कम से रिड्यूस किया और हमने क्या किया रिड्यूस वो तो शरीर खुद नहीं चाह रहा है शरीर मांगे और हम ना दे तो हम सोच सकते हैं शरीर तो लेता भी नहीं वो तो जबरदस्ती दिया जाता है तो जब शरीर की रिक्वायरमेंट कम है तो हम उसे क्यों दे और इसे धीरे धीरे कम करें आत्महत्या और करता की मानसिकता में जमीन आसमान का अंतर आत्महत्या तीव्र मानसिक असंतुलन की स्थिति में की जाती है जबकि संलेखना पूरी तरह से आत्म जागरूकता के साथ किया जाता है आत्महत्या कषाय से प्रेरित होकर लोग करते हैं जबकि संलेखना पूर्वक की जाती है आत्महत्या जीवन की किसी भी अवस्था में की जा सकती है जबकि संलेखना मरण के अनिवार्य और अपरिहार्य होने की स्थिति में की जाती है आत्महत्या का उद्देश्य अपने शरीर का विनाश मात्र है और वह शरीर के विनाश को ही अपना विनाश मानकर आत्महत्या करता है जबकि संलेखना का उद्देश्य आत्मा की अमरता और देह की नश्वरता को समझकर अपने परलोक यात्रा को सुधारना है आत्महत्या घोर हताशा और निराशा की स्थिति में की जाती है जबकि संलेखना परम प्रीति और उत्साह के पूर्वक धारक किया जाता है तो दोनों को एक कहना कतई उचित नहीं है दोनों की मानसिकता में जमीन आसमान का अंतर है जैनाचार्य पूज्यपाद ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया किसी व्यक्ति के मकान में आग लग जाए तो पहला प्रयास क्या होगा केन उपाय न उस आग को बुझाएंगे लेकिन निरंतर आग को बुझाने का प्रयास करने के बाद भी आग बुझने की जगह और अधिक बेकाबू होकर बढ़ते जाए तो फिर किसी समझदार व्यक्ति का क्या कर्तव्य है वो समझदार व्यक्ति यही करेगा कि अब मकान का मोह छोड़कर मकान में जो मूल्यवान वस्तुएं हैं उसको बचा ले जितनी कीमती चीजें उसको बचा ले अब बाकी बाकी मकान जल रहा है सो जल रहा है मैं आपसे पूछता हूं ऐसे व्यक्ति को क्या मकान का विध्वंसक कहा जा सकता है क्या ऐसा व्यक्ति मकान का विध्वंसक कहलाएगा कहते ही नहीं उसने तो आग को बुझाने की कोशिश की लेकिन जब सर्वनाश समुत्पन्न अर्धम ती पंडित है जब सब जा रहा है तो आधा त्याग दो पूरा जाता देखिए आधा ले बचाए जो मूल्यवान है उसे बचा लो अब ये शरीर जाना ही है इसे संभाले संभालने वाला नहीं है तो भाई शरीर का मोह त्याग कर अपने जो व्रत रूपी रत्न है ना इसे बचाने के लिए ही संलेखना ली जाती है इसलिए संलेखना का आत्महत्या से कहीं संबंध नहीं हाँ वो संलेखना उचित नहीं जो स्वस्थ दशा में और भरी जवानी में भी कोई ले ले जैन शास्त्र इसकी कोई आज्ञा नहीं देते संलेखना न जीने की इच्छा से न मरने की इच्छा से हमारे यहाँ संलेखना के दो अति चार बताएँ जीने की इच्छा और मरने की इच्छा इसलिए हम रोज बोलते जीवित मरना संसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानी ये संलेखना के दोष हैं तो न जीने की इच्छा न मरने की इच्छा आत्महत्या मरने की इच्छा होती और जीने की इच्छाएँ किसी रोगी में होती है लेकिन जो संलेखना का साधक होता है उसके अंदर न जीने की इच्छा होती है न मरने की इच्छा होती है वो जीने और मरने की इच्छा से ऊपर उठ कर के काम करता है ये संलेखना की उपयोगिता के संदर्भ में डॉक्टर संपूर्णानंद शास्त्री बहुत बड़े विद्वान भारत के एक बड़े दार्शनिक विद्वान थे उनको अपने जीवन के अंतिम दिनों में बहुमूत्र रोग हो गया बहुमूत्र रोग होने से शरीर के शुद्धि नहीं रही शरीर की शुद्धि नहीं होने से उनका सब गीता और वेद आदि का पाठ सब अधूरा रह गया तब उन्होंने एक बात व्यक्त की कि आज मुझे जैनियों की संलेखना की उपयोगिता का आभास हो रहा है यदि मैंने ऐसी साधना की होती तो मेरा धर्म आज नहीं छूटता आचार्य विनोबा भावे विनोबा भावे जी इस संलेखना की साधना से बड़े प्रभावित थे और उन्होंने अपना अंतिम शरीर का त्याग जो है शरीर का परित्याग अपना अंतिम समय समाधि पूर्वक बिताया और जब वो समाधि कर रहे थे श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी वो उनके पास गई और उनसे भोजन ग्रहण करने के लिए निवेदन किया तो उन्होंने कहा नहीं अब मेरे और मेरे परमात्मा के बीच न दवा की जरूरत है न दबाव की इंदिरा गांधी से कहा आप दबाव मत डाले आज अब मेरे और मेरे परमात्मा के बीच न दवा की जरूरत है न दबाव की अब इसका कोई काम नहीं अपने अंदर का भाव जगाइए उत्साह जगाइए कि नहीं मेरा अंत समाधि पूर्वक ही हो और बंधुओं यह व्यवस्था हमने सम्मेद शिखर जी गुनायतन में बना रखी है आने वाले समय में यहाँ ये यह होगा यहाँ साधना बसतिका बन रही है छप्पन फ्लैट तो अभी तैयार हो गए एक दो महीने में पूरे हो जाएंगे और 200 और बनने हैं इतने लोगों की स्थायी व्यवस्था यहाँ होगी जो दंपति अपना व्रति जीवन जीते हुए यहाँ रह सकेंगे रहेंगे और उनकी सेवा शुश्रुषा करने के लिए सारी चिकित्सकीय व्यवस्था भी यहाँ पर होगी और उनकी भैयावृत्ति करने वाले भी होंगे और उनके निर्वाह करने में निष्णात श्रावक और श्राविकाएँ होंगे जो उनका अंत समय में उनकी समाधि अच्छे से करा सके और वो अपना अपना ये शरीर अच्छे से त्याग कर नर को सफल बना सके ऐसी सारी सुविधाएँ और व्यवस्थाएँ यहाँ की गई और ये हर क्षेत्र में होना चाहिए लोग वृद्धाश्रमों का मुख क्यों जाए साधना स्थली में जाए इसलिए मैंने उसका नाम दिया है। साधना का। आप अपने गारहस्थिक जिम्मेदारियों को पूरा करें और आए यहाँ रहें व्रत साधन करके अपना पूरा जीवन बिताएं ये सारी सुविधाएँ यहाँ होगी और उसी अनुरूप सारा कार्य होगा और इस तरीके से आप करेंगे तो ये आपके श्री सौभाग्य की वृद्धि होगी क्योंकि घर परिवार में उतनी अनुकूलताएं नहीं बन पाती और लोग कई तरह की बातों में उलझ भी जाते हैं लेकिन ऐसे पारमार्थिक कार्यों में जो लगते हैं उनका जीवन निश्चित निहाल होता है तो वैसी भावना वैसी दृष्टि सबके मन में जगे इस पवित्र भाव के साथ समय आप सबका हो गया मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवार श्री विद्यासागर जी महाराज